घने जंगल में मिला एक खोई हुई सभ्यता, एक ऐसा जंगल जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती, जिसके अंदर इंसान जाने के बारे में सोचता भी नहीं। दुनिया में बहुत सारे घने और खतरनाक जंगल हैं, जिनके बारे में सुनकर ही डर लगता है। एक ऐसी ही जंगल में वैज्ञानिकों को मिली खोई हुई प्राचीन सभ्यता जो इतिहास बदल सकता है। माया सभ्यता के बारे में बहुत से लोग जानते हैं। इस प्राचीन दक्षिण अमेरिकी सभ्यता का खौफ इतना था कि यह सदियों तक बनी रही। माया सभ्यता की प्राचीन बस्तियां आमतौर पर घने जंगल में बनाई जाती थीं। माया सभ्यता की एक ऐसा ही बस्ती लगभग 2000 साल पहले ऐसे ही एक घने जंगल में बनाई गई थी, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। ग्वाटेमाला का ये जंगल इतना घना है कि इसके अंदर घुसना ही काफी खतरनाक है। वैज्ञानिक उस जंगल के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। तकनीक की मदद से जंगल में छिपी अज्ञात जानकारी की खोज जारी थी, जिसे एक विशेष प्रकार के लेजर का उपयोग करके संचालित किया गया था, जिसे लीडर कहा जाता है। इस अत्याधुनिक लेजर से जंगल में मिट्टी के नीचे क्या है इसकी खोज की जा रही थी, और ऐसा करते समय वैज्ञानिकों को अचानक जंगल के बीच में बहुत सारे घर दिखाई देता है जो जमीन के अंदर दबा हुआ था। दक्षिण अमेरिका के वर्तमान मानचित्रों के अनुसार यह प्राचीन शहर इक्वाडोर का है। प्राचीन उपानो घाटी के पास एक ज्वालामुखी के पीछे शोध करते समय वैज्ञानिकों को कुछ खास नजर आया। उन्होंने विशेष रिमोट सेंसिंग तकनीक लिडार की मदद ली। वैज्ञानिकों ने त्रिआयामी छवियों में पुराने शहर के अस्तित्व को महसूस किया। ऐसा कहा जाता है कि यह शहर सड़कों और छोटी नहरों द्वारा अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ था। वैज्ञानिक टीम के एक अन्य सदस्य ने कहा, वहाँ ज्यादातर लोग छोटे छोटे समूहों में बंटे हुए थे। अधिकांश लोग अर्धनग्न होकर घूमते थे, एक झोपड़ी में रहता था। कुछ लोग जंगलों को साफ करके खेती करते थे।